नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 27 अगस्त 2022 और आज का दिन है शनिवार। हम शुरुआत करने से पहले एक बार देख लेंगे कि आज हम इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारी पहली खबर रहेगी कि झारखंड के सीएम को क्यों विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराया, क्या है रोल राज्यपाल का व इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। फिर उसके बाद देखेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिया निर्णय फ्रीबीज को लेकर, और फ्रीबीज पर क्या निर्णय दिया गया था 2013 के अंतर्गत। फिर जानेंगे हम कि भारत और बांग्लादेश में नदियों के जल को लेकर क्या बनी सहमति। फिर जानेंगे कि सेना में शामिल जोरावर क्या है और किस तरह से इस सेना को और सशक्त बनाएगा। फिर जानेंगे इथेनॉल क्या है और इथेनॉल से संबंधित पहलुओं को और भारत की इथेनॉल के संदर्भ में स्थिति को समझेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे हम बिजनेस पेज की कि उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि गिग इकोनॉमी क्या है और गिग वर्कर्स कौन होते हैं। तो उसके बाद हम अन्य खबरों को देखेंगे और जानेंगे आज इसरो से संबंधित कुछ पहलुओं को, यूक्रेन की मैप को, रशिया की मैप को यानी ट्रांस साइबेरियन रेलवे के बारे में, और रशिया की मैप की आज थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे हम। उसके बाद हम इथेनॉल के बारे में जानेंगे और फिर गिग इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हेमंत की जो मुख्यमंत्री है कहाँ के, झारखंड की, उन्हें विधानसभा सदस्यता से कहीं ना कहीं अब अयोग्य ठहराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं खान विभाग के मंत्री के रूप में अपने नाम से कहीं ना कहीं उन्होंने खनन पट्टे लेने के मामले में उन पर इस तरह से उससे इसलिए उन पर कहीं ना कहीं ये सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकते है। इस कारण से कहीं ना कहीं विधानसभा की जो सदस्यता रद्द होना अब तय है। कहीं ना कहीं जो सदस्यता रद्द करने को लेकर राज्यपाल अभी जो विधि विशेषज्ञों के साथ मिलकर बातचीत कर रहे हैं। राजभवन द्वारा जो हेमंत सोरेन की जो सदस्यता रद्द करने को लेकर राज्यपाल को आदेश भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग इस पर अपनी निर्णय देने के बाद कहीं ना कहीं राज्यपाल हेमंत सोरेन को अपनी सदस्यता से अयोग्य ठहरा देंगे। राज्यपाल ने यह कार्रवाई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद के मामले में की है। तो हम देख लेते हैं कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के अनुसार कोई भी सांसद या विधायक ऐसे किसी पद पर नहीं रह सकता जहां उसे वेतन भत्ते प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष या किसी दूसरी तरह के फायदे मिलते हो। इसी तरह भारतीय जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 1 भी सांसदों और विधायकों को किसी दूसरे मत से लाभ या अन्य पद लेने पर रोक लगाती। अगर इसका उल्लंघन करते कोई सदस्य पाया जाता है तो उसकी जो सदस्यता है उससे अयोग्य ठहरा दिया जाता है। तो भारत निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा झारखंड के राज्यपाल का आदेश और आयोग जारी करेगा सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना और उसके बाद राज्यपाल कहीं ना कहीं जो सीएम है उनको सदस्यता से अयोग्य ठहरा देंगे। अब चलते हैं हम अगली खबर। रेवड़ियां बांटने से दिवालिया हो सकता है राज्य सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि हाल ही में जो फ्रीबीज को लेकर अभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में घमासान चला हुआ है। कोई पार्टी इसे अच्छा बोलती है, कोई इसके विरोध में, कोई पक्ष में, और कोई जनकल्याणकारी योजना को लेकर चर्चा करता है, कोई एक सीमा तक कहीं ना कहीं फ्रीबीज देने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी हाल ही में चुनाव से पहले जो मतदाताओं को लुभाने के लिए जो राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां बांटने की घोषणा और उन्हें बांटने पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से जो 3 न्यायाधीश की एक नई पीठ की मतलब गठन किया और वो इसकी सुनवाई करेगी। और जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट ने मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों याचिकाओं कर्ताओं की ओर से 2013 में सुब्रमण्यम बालाजी के फैसले पर पुनर्विचार भी की मांग भी की है। जो 2013 का जो फैसला था उसमें 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाया था कि जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों द्वारा
जो रेवड़ियां यानी जो फीबी से बांटा जाना जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी निर्णय पर फिर से जो 3 जजों की न्यायाधीश पीठ है इस पर पुनर्विचार करेगी। रेवड़िया करदाताओं के पैसे से बांटी जाती है और इस कारण राज्य दिवालिया होने की कगार पर पहुंच सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की कहना। रेवड़िया बांटना और जो जन कल्याणकारी योजना के बीच में एक कहीं ना कहीं लकीर होनी चाहिए कि किस हद तक अगर कोई सुविधा दी जाती है तो कब तक जन कल्याणकारी राज्य रहेगी या किस सीमा पार करने पर उसे हम फिर भी इसका दर्जा देंगे। इस पर कहीं ना कहीं जो एक तरह से राजकोषीय जिम्मेदारी भी बननी चाहिए राजनीतिक दलों की कि सत्ता में आने के बाद एक तरह से राज्य की सेहत का भी ध्यान दे। उसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी हिस्सा है, कहीं ना कहीं हमें जो DPSP है उनको भी पूरा करना है और एक जन कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को भी पूरा करना था कि जो वंचित समूह है उनको जो बेसिक सुविधाएं वो मिल सके। रेवड़िया बांटने से ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें पैसे की कमी से कहीं ना कहीं राज्य सरकार बुनियादी सुविधाओं की मतलब उन पर निवेश नहीं कर सकती, जैसे जो कैपिटल गुड्स होते हैं जो पूंजीगत वस्तु होती है तो उन पर कहीं ना कहीं कटौती करेगी और जिससे कहीं ना कहीं भविष्य में विकास को प्रभावित हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो न्यायाधीश पीठ है 2013 के फैसले पर पुनर्विचार भी करेगी। तो इस तरह से हमें आगे देखना है कि इस पर क्या निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का। फीफा ने AIFF का निलंबन खत्म किया, जिससे हमें पता है कि फीफा ने अभी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की जो प्रतिबंध लगा दिया था और अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी का आयोजन भारत से छीन लिया था। तो उसी को अभी जो प्रतिबंध लगाया था फीफा ने उसे हटा दिया गया। अब अक्टूबर में अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में होगा और फीफा की तरफ से कहा गया था कि प्रशासकों की समिति यानी COA को हटाने और अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के दैनिक कामकाज की जिम्मेदारी दोबारा उसे सौंपने की पुष्टि के बाद कहने के फीफा ने यह निर्णय लिया है। तो फीफा ने जो प्रतिबंध किसको देकर लगाया था वो तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप को लेकर लगाया था और यहाँ तीसरा पक्ष क्या था तो कहीं ना कहीं कोर्ट थी यानी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप को लेकर उसने प्रतिबंध लगाया था। लाइव स्ट्रीमिंग से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले लंबी केस बड़ी चुनौती। जैसा कि हमें पता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केसों की जो पेंडेंसी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 70,000 केस आसपास मामले लंबित हैं। तो इसी को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी चीफ जस्टिस थे NV रमणा जी, उन्होंने इसको लेकर कहा कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया गया। जो सीधा प्रसारण है वो कहीं ना कहीं 2018 में शीर्ष अदालत ने फैसला लिया था कि लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं और इनके तर्क में क्या दिया था कि अदालत की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय प्राप्त करने के अधिकार का हिस्सा है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी और इन्होंने यहाँ कहा यानी चीफ जस्टिस जी ने कहा कि जो लंबित मामलों का समाधान करने के लिए आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना आवश्यकता है और जजों की जो रिक्त पदे हैं उन्हें भरना चाहिए। दूसरा है कि मामलों का निपटाना थोड़ा जल्दी वीर गति से किया जाए। तो इस तरह से इन्होंने अपने विदाई समारोह में कहा है। दुश्मन दुर्गम इलाकों में दुश्मन को मात देगा जोरावर। तो सेना ने कठिन और पहाड़ी इलाकों के लिए तैयार किया नया लाइटवेट टैंक। तो भविष्य की जंग व चीन की चुनौती का दिया जा सकेगा मुंहतोड़ जवाब। तो चीन से टकराव के दौरान कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं हमें हल्के टैंक की आवश्यकता है। तो जो 2020 में चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के कहीं ना कहीं अवैध रूप से घुसपैठ की थी, तो उसी को देखते हुए भारत में कहीं ना कहीं इसकी जरूरत महसूस की गई कि सीमा पर चीन का तनाव सैन्य टकराव। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये जोरावर एक टैंक है यानी जिसे अब सेना में शामिल किया गया। यानी कि जो भारतीय सेना अपने बख्तरबंद विंग के साथ आधुनिकीकरण को गति दे रही है, स्वदेश में विकसित जो लाइटवेट टैंक जोरावर को सेना में शामिल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये एक तरह से हल्का टैंक है। जोरावर को कहीं ना कहीं उच्च ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों सीमांत इलाकों से लेकर
जो आइलैंड्स होते हैं यानी द्वीपीय क्षेत्र पर अलग अलग इलाकों में तैनात करने के लिए कहीं ना कहीं डिजाइन किया गया है। सेना को कहीं ना कहीं भविष्य की जंग के लिए भी अपनी जो बख्तरबंद वाहनों को आधुनिकीकरण को लेकर हथियार के रूप में स्वार्म यानी झुंड के साथ कहीं ना कहीं जो काउंटर ड्रोन सिस्टम को भी शामिल करना है। जो स्वार्म यानी झुंड क्या होता है कि ड्रोन में एक साथ कई ड्रोन होते हैं और ये दुश्मन के इलाके में घुसकर अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लक्ष्य को पर निशाना साधते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि जैसे हमारे पश्चिम में पाकिस्तान आ गया, उत्तर में चीन आ गया, तो इससे हमारा कहीं ना कहीं एक तरह से सीमा विवाद चलता रहता है। पाकिस्तान से कहीं ना कहीं सीमा पार आतंकवाद को लेकर चाइना के साथ ये सीमा पर विवाद बना हुआ है। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं हमारे सामने एक तरह से ये चुनौतियां खड़ी हो गई थी। तो इसी के लिए कहीं ना कहीं अब हमें हाईटेक युद्ध के लिए भी तैयार रहना और सेना को पूरी तरह से मॉडर्नाइज करना है ताकि कहीं ना कहीं भविष्य में अगर कुछ भी सामरिक स्थिति ऐसी आती है तो हमारी जो सेना है वो मुंह तोड़ जवाब दे सके दुश्मनों को। तो इसकी टैंक की खासियत क्या है कि कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और भारत की स्थिति किसमें तकनीकी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन एकीकरण और कहीं ना कहीं एक तरह से सुरक्षा प्रणाली वो तमाम आधुनिक तकनीकों से कहीं ना कहीं इस तरह सुसज्जित हैं। टैंक में कहीं ना कहीं मिसाइल सिस्टम और मुख्य तोपों सहित अन्य हथियार भी प्रणालियां भी लगाई गई हैं। दूसरा है कि हल्का होने के कारण इसे किसी भी कठिन भौगोलिक इलाकों में कम समय में ज्यादा सुलभ तरीके से पहुंचाया जा सकता है। लाइट टैंक होने के बावजूद दुश्मन पर निशाना साधने में भारी टैंक की क्षमता को भी कहीं ना कहीं ये निभा सकता है। आठ और नदियों के जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश से सहमति। त्रिपुरा में पेयजल के लिए फेनी नदी से पानी आएगा और बाढ़ के आंकड़ों में 15 अक्टूबर के बाद भी बांग्लादेश को साझा करेगा। तो कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच 12 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक हुई थी जिसमें दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं आठ नदियों को जल बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं सूची में जोड़ने पर सहमति बनी है। भारत और बांग्लादेश कुल 54 नदियों का साझा करते हैं और सामान्य नदियों के और इसमें क्या निर्णय लिया गया है कि सामान्य नदियों के पानी को साझा करने और बाढ़ के आंकड़ों को साझा करने में मदद मिलेगी ताकि जो बाढ़ की घटना होती है उनसे कहीं ना कहीं त्वरित निपटान किया जा सके। उसका बाढ़ आने से पहले एक जो भी तैयारी होती है उसको किया जा सके। बांग्लादेश में बाढ़ से सालाना जन धन की भारी क्षति होती है। कहीं ना कहीं बाढ़ से जुड़े आंकड़ों और उससे पूर्व चेतावनी संबंधी सूचना भारत से उससे प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं भारत से ही कहीं ना कहीं जो नदियां हैं बांग्लादेश में इंटर करती हैं और कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन को लेकर भी कहीं ना कहीं इस तरह से जो बर्फ पिघल रही है तो उससे भी कहीं ना कहीं जो नदियों का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो इससे एक दोनों आंकड़े साझा करेंगे। इसमें दोनों देशों के बीच गुजरने वाली नदियों के जल वितरण, नदियों के प्रदूषण पर विशेष ध्यान देने, नदियों में गाद यानी सिल्ट प्रबंधन पर संयुक्त अध्ययन करने और नदी तटबंधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने पर भी चर्चा हुई है। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग का गठन है ना 1972 में शांति संधि के तहत किया गया था। न्यायिक प्रणाली मजबूत करने में मीडिया की सक्रिय भागीदारी। तो नई दिल्ली में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने विदाई समारोह में कहा कि न्यायिक प्रणाली में मीडिया किस तरह से सक्रिय भूमिका निभाती है। तो कहीं ना कहीं मिथकों और गलत धारणाओं दूर करने में जो मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। इथेनॉल उत्पादन में उठ रहे बड़े कदम। कहीं ना कहीं जो इथेनॉल है जिसे हमें पता है कि अभी हाल ही में सरकार ने कहीं ना कहीं जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेट के द्वारा कहीं ना कहीं जो इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया था तो उसी को देखते हुए ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो पेट्रोल उत्पाद के आयात पर जो खर्च होता था उसे कम करने में पर्यावरण की चिंताओं के बीच में कहीं ना कहीं जो पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण करने से कहीं ना कहीं एक तरह से जो पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसको भी कहीं ना कहीं कमी की जा सकेगी। हाल ही में सरकार ने जो 10% की सीमा थी जो इथेनॉल
पेट्रोलियम मिला लेके उसकी सीमा को पार कर लिया है। अब हमने टारगेट कितना 20% तक रखा है, पर्याप्त इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना है ताकि 2025-26 तक 20% मिश्रण को जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सके। इथेनॉल ब्लेंडिंग या इथेनॉल मिश्रण, यानी पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाना ही इथेनॉल ब्लेंडिंग कहलाता है। 50,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है बजट, तो कहीं ना कहीं आंकड़े कहते हैं कि 7-8 वर्ष में हम इथेनॉल के मिश्रण से लगभग 50,000 करोड़ रुपए की बचत देश को हो चुकी। कैसे कि हम अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे तो जितना इथेनॉल मिलाएंगे उतना ही हम पेट्रोल खरीदना यानी क्रूड ऑयल कम खरीदेंगे, तो उसका बचत होगी हमें। तो कहीं ना कहीं नीति आयोग का अनुमान है कि जब भारत में पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण 20% के स्तर पर पहुंच जाएगा तो प्रतिवर्ष देश के खजाने को 30,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इथेनॉल के प्लांट लगने से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हो रहा है, और दूसरा है कि देश की आर्थिकी के लिए ये अच्छा भी है। तेल कंपनियों को भी लाभ हो रहा है क्योंकि पेट्रोल से इथेनॉल को कम कीमत पर खरीदना पड़ रहा है, और इसके लिए पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, और दूसरा इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। उत्पादन की वृद्धि स्थिति 2013 में, तो 2013 में जो देश में इथेनॉल का उत्पादन 38 करोड़ लीटर था और जो 5 वर्षों के बाद बढ़कर 1.9 अरब लीटर पहुंच गया है, तो अब जो प्रतिवर्ष लगभग 4 अरब लीटर इथेनॉल का उत्पादन भी हो रहा है। तो देख लेते हैं कि ऐसे कैसे बनता है इथेनॉल। तो इथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। खेती और पर्यावरण दोनों को फायदा होता है। इथेनॉल के प्रयोग से 35% कम कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO निकलती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को भी कम करता है, और इसके अलावा इथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो ये गैसें निकलती है, एक तरह से कहीं ना कहीं जो ग्रीन हाउस गैसों के कारण बनती है फिर जाकर, और इसी से कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन है, वैश्विक तापमान है जैसी घटनाएं घटित हो रही है। तो समय से पाना है लक्ष्य, तो जैविक ईंधन को लेकर बनी जो राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत कहीं ना कहीं 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है, और डीजल के लिए बायो डीजल यानी डीजल में भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस मिश्रण को मिलाने के लिए 5% का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। हम इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, प्योर अल्कोहल भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी इथेन भी कहते हैं, ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है यानी आणविक फॉर्मूला वो C2H6O इसका फॉर्मूला होता है, और जो किण्वन विधि होती है यानी फर्मेंटेशन उसी के द्वारा जो शक्करमय पदार्थ होते हैं जैसे गन्ना की शक्कर, ग्लूकोज, शोरा, महुल का फूल, तो इनसे कहीं ना कहीं जो स्टार्चमय पदार्थ होते हैं यानी जो आलू, चावल, जो मकई आदि से अल्कोहल बनाया जाता है, और इससे बड़ी मात्रा में अल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और इससे कहीं ना कहीं ये अल्कोहल का निर्माण हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। जो अल्कोहल का इस्तेमाल है कहीं ना कहीं उद्योग में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, दवाओं में होता है, कृत्रिम रंग में होता है, साबुन बनाने में होता है, इत्र बनाने में होता है, फूल की सुगंधों में होता है, शराब में होता है, और कहीं ना कहीं अब जो इसका फ्यूल के रूप में भी उपयोग करेंगे, मोटर इंजनों में भी पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में इसका उपयोग जलाने के लिए किया जाएगा। तो इस तरह से ये खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण रहती है। आतंक फंडिंग पर लगे पूरी तरह से लगाम, इसे आप एक बार जरूर देखिएगा। अब चलते हैं बिजनेस में। तो गिग वर्कर्स को मिला इलाज व पेंशन, तो कहीं ना कहीं जो गिग वर्कर्स, पहले हम जान लेते हैं कि गिग वर्कर होते कौन। तो गिग वर्कर्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से काम करते हैं, जो रिटेल स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग एवं अन्य गैर पारंपरिक सेक्टर में अस्थायी रूप से काम करने वाले श्रमिक यानी कि ऑफलाइन गिग वर्कर्स होते हैं, जबकि ओला, उबर, जोमेटो और जैसे अन्य प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले जो अस्थायी कामगार होते हैं उन्हें ऑनलाइन गिग वर्कर की श्रेणी में रखा जाता है। तो हाल ही में जो सरकार ने गिग वर्कर्स को लेकर सरकार नियम बनाने जा रही है ताकि जो संगठित क्षेत्र की तरह उन्हें भी इलाज, वेतन, अवकाश, काम के सीमित घंटे और पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सके। तो अभी हाल ही में नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक
बीत वर्ष 2021 में देश में 77 लाख गिग वर्कर्स थे, जिनकी संख्या 2029-20 में 2,35,00,000 हो सकती है। गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो यही हाल ही में श्रम मंत्रालय के विजन 2047 के मुताबिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार जो प्लेटफॉर्म से जुड़े जो गिग वर्कर्स है उनके लिए कहीं ना कहीं जो काम के घंटे, उनकी कार्य स्थिति तय की जाएगी, आय को लेकर भी नियम बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं वर्कर्स को व्यावसायिक सुरक्षा के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। वर्कर्स का नियोक्ता के साथ अगर विवाद होता है तो उसे सुलझाने के लिए भी एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा, इलाज के साथ पेंशन जैसी सुविधाएं भी अब गिग वर्कर्स को दी जाएगी। एक सामाजिक सुरक्षा फंड बनाया जाएगा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सहयोग देंगे और जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो भी कहेंगे कि तो सामाजिक दायित्व यानी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इस फंड में अपना योगदान देगी। और कहीं ना कहीं जो अधिकांश जो गिग वर्कर होते हैं वो कौन होते हैं, नौजवान होते हैं जो अपनी सुविधा के मुताबिक काम करते हैं और कामकाज को लेकर अभी तक कोई नियम भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और कई जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करने वाले गिग वर्कर्स को दुर्घटना बीमा तक मुहैया नहीं कराते हैं, तो एक डिलीवरी बॉय को दिखा रखे हैं क्या मान लो इसका एक्सीडेंट हो जाता है, इसके लिए कोई बीमा की सुविधा नहीं। तो इस तरह से अभी जो इनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से दुर्घटना बीमा योजना सामाजिक सुविधा लाई जाएगी। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं गिग वर्कर्स के बारे में। तो जो गिग होता है वो क्या होता है, एक निश्चित अवधि तक चलने वाली नौकरी होती है जिसमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक या स्थायी दोनों स्थायी भी हो सकती है, किंतु जब तक इसकी आवश्यकता रहती है। सभी गिग्स जॉब्स हैं लेकिन सभी जॉब्स गिग्स नहीं, क्योंकि सभी जो जॉब्स होगी उसमें तो स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है, इसलिए सारी जॉब्स गिग्स नहीं है। और दैनिक मजदूरी करने वालों को भी गिग इकोनॉमी कहा जाता है। तो गिग अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो गिग इकोनॉमी यानी डिजिटलीकरण के दौर में रोजगार की परिभाषा और कार्य का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। यानी जिसकी बात हम करते हैं यानी घर पर रहकर अपन को काम करना चाहिए यानी वर्क फ्रॉम होम, तो फ्रीलांस कार्य और एक निश्चित अवधि के लिए प्रोजेक्ट आधारित रोजगार होते हैं जिसमें व्यक्ति की सफलता और उसकी विशिष्ट निपुणता पर निर्भर करता है। और कहीं ना कहीं जिसमें असाधारण प्रतिभा, गहरा अनुभव, विशेषज्ञ ज्ञान या प्रचलित कौशल प्राप्त श्रम बल ही कहीं ना कहीं गिग इकोनॉमी में कार्य करते हैं, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट आधारित होते हैं। यानी अगर आपने टैलेंट है, प्रतिभा, तभी तक आपको काम पे रखेंगे, उसके बाद आपको काम से निकाल देंगे। कोई भी व्यक्ति अपना पसंदीदा काम कर सकता है और गिग इकोनॉमी में कंपनी द्वारा तय सीमा में प्रोजेक्ट पूरा करने की एवज में भुगतान किया जाता है, और उसके बाद कंपनी का और आपसे कोई लेना देना नहीं रहता। उसका प्रोजेक्ट होने के बाद आप अपने और कंपनी अपने। कंपनियां यदि बाजार में जाकर प्रत्येक विशिष्ट काम के लिए अलग अलग विशेषज्ञ से कराती हैं, तो इससे कहने जो कंपनी की सामान्य लागत कम होती है। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब गिग इकोनॉमी यानी जो गिग वर्कर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, ताकि एक निश्चित वेतन पर लंबे समय के लिए लोगों को नौकरी पर रखने की बजाय जो गिग वर्कर्स है उनकी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें कोई सामाजिक सुरक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती, उन पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका प्रभाव क्या हो सकता है, तो अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण के दौर पर कहीं ना कहीं गरीबी और भी बढ़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल होने से एक आदमी 10 आदमी का काम है कहीं ना कहीं 1-2 मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो उसने रिप्लेसमेंट किया है 8 लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से बेरोजगार रहेंगे, इससे रोजगार खत्म होने की संभावना भी बढ़ी है एक तरह से। और मानव संसाधन इसमें दक्ष चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रतिभा कौशल के आधार पर ही आपको काम पर रखा जाएगा। मैं कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में सॉफ्टवेयर द्वारा मानव श्रम का प्रतिस्थापन भी किया जा रहा है। भी एम्प्लॉयमेंट 4.0 वर्सेस एम्प्लॉयमेंट 3.0, तो जो गिग इकोनॉमी इस दौर को एम्प्लॉयमेंट 4.0 की संख्या दी गई। जो पहले वाला एम्प्लॉयमेंट था यानी 3.0, उसके अंदर क्या था कि वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण ने बाजार में निकलकर काम लेना आसान बना दिया है। यही कारण था कि बड़ी कंपनियां तेजी से बंद होने लगी और उनकी जगह ले ली छोटी छोटी आउटसोर्सिंग फार्मों ने। जो एम्प्लॉयमेंट 4.0 क्या है, तो उसमें कहीं ना कहीं अनवरत इंटरनेट कनेक्टिविटी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी पर आधारित होगा, जिसमें कहीं ना कहीं रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और वर्चुअल रियलिटी जैसे तमाम तकनीक के
जब आपस में मिलेगी तो कहीं ना कहीं उत्पादन और निर्माण के तरीकों में एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा और इनमें कहीं ना कहीं दक्षता की बहुत जरूरत होगी जो इनको काम करने वाले रहेंगे। तो भारत के संदर्भ में गिग इकोनॉमी देख लेते हैं, तो अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार भारत में ज्यादा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लंबे समय से भारत में अनियंत्रित जो औपचारिक श्रम है, यानी जो औपचारिक श्रम का बड़ा बढ़ोतरी हुई है, श्रमिकों की कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है, बीमा आदि की कोई सुविधा नहीं होती है। अमेरिका में जहाँ श्रम शक्ति का 31% गिग इकोनॉमी से संबंधित, वही भारत में ये आंकड़ा 75% है। एम्प्लॉयमेंट 4.0 के कारण कहीं ना कहीं एक तरह से इसका जो गिग इकोनॉमी का हिस्सा बनने के लिए लोग मजबूर होंगे, गरीबी तो और भी गरीब बनेंगे। दूसरा है कि भारत में नए रोजगार जैसे ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर दोनों का 56% हिस्सा गिग इकोनॉमी द्वारा कंपनियों द्वारा सर्जित होगा। श्रम कानूनों में भी कहीं ना कहीं बदलाव की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इसे विनियमित करने की आवश्यकता है। और हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो 1990 के दशक से जो कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वचालित मशीनों पर आधारित जो एम्प्लॉयमेंट 3.0 के दौरान भारत ने विश्व के लिए अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोले थे, यानी एलपीजी इकोनॉमी में किया था, तो कहीं ना कहीं 3.0 प्रकार के जो रोजगार थे वो भारत में अच्छे से सफल नहीं हो पाए। और कहीं ना कहीं अभी डिजिटलीकरण जिस प्रकार रोजगार को कम कर रहा है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो सर्वाधिक प्रभावित कौन होंगे, जो अपने कौशल सामर्थ्य में निश्चित अवधि के भीतर वांछनीय सुधार लाने में असमर्थ रहेंगे। तो इसी को देखते हुए सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना चाहिए ताकि इनकी समय समय पर इनके कौशल में वृद्धि की जा सके। अब चलते हैं अगली खबर पर। भारत ब्रिटेन के बीच एफटीए से सेवा निर्यात को बढ़ोतरी होगी। तो कहीं ना हमें पता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में अक्टूबर तक जो एफएटीए होने जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं कानून लेखा लेखा परीक्षण को मतलब इनका निर्यात बढ़ेगा। समझौते के तहत कहीं ना कहीं दोनों देश सीमा शुल्कों में कटौती या समाप्त कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं व्यापार में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। लॉजिस्टिक कानून, विदेशी मुद्रा भंडार, ये टर्मोलॉजी हमारे रोज चर्चा में बनी रहती है। वो उपयोग में लाया जा चुका 60% खाद्य तेल पुनः किया जाता है प्रयोग अध्ययन। तो कहीं ना कहीं जो हम खाद्य तेल होता है उसका अगर पुनः उपयोग में लाया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं खाद्य तेल से कैंसर, हृदय रोग संबंधी बीमारियां और गैर संचारी रोगों का खतरा बढ़ जाता है। और जो निरंतर तलने के दौरान जो खाद्य तेल में पेरोक्साइड और हाइड्रो पेरोक्साइड से टोटल पोलर कंपाउंड उत्पन्न होता है, एक यौगिक होता है जिसमें कहीं ना कहीं फैटी एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल व गैर वाष्पशील उत्पाद शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे सेहत से संबंधित जो चुनौतियां हैं वो बढ़ने लगती हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने भी कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा को नियमों के अनुसार कहीं ना कहीं भारत में खाद्य तेल को लेकर एक बार फिर से उपयोग लाने में मतलब दोबारा उपयोग लाने पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाई है। और रिपोर्ट तो कहीं ना कहीं जो खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण चिकित्सकों आहार विशेषज्ञों के नेटवर्क के जरिए जो जन जागरूकता फैला जा रही है, लोगों के व्यवहार में बदलाव लाया जा रहा है ताकि जो पुनः उपयोग किया हुआ तेल दोबारा इस्तेमाल न करें। भवानी देवी जो 2022 में कहने के जो लंदन में जो कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियन के साथ कहने के उन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। तो कहने का हमें इससे संबंधित से रखना है कि ये किस गेम से संबंधित है, व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था। भारत की प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनी उत्तर प्रदेश की सोनाली बनर्जी 1999 में। आज ही इलाहाबाद सोनाली प्रथम महिला मरीन इंजीनियर बनकर मालवाहक जांच के मशीन के रूप में उन्होंने चार्ज संभाला था। मंगल ग्रह पर भी हरित क्षेत्र, कहीं के जो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, तो नासा के जो परसिवरेंस मार्स रोवर ने ये हरित क्षेत्र का पता लगाया है। डाटा का विश्लेषण करते हुए विशेषज्ञों ने पता लगाया कि जो डेल्टा क्षेत्र में तलछटी चट्टाने होगी, लेकिन इसके बजाय कहीं ना कहीं जो ज्वालामुखी चट्टाने मिली है, तो अधिकांश चट्टाने एक खनिज ओलेवाइन से बनी है जिसकी वजह से जो इनका रंग है वो हरा है। नासा के जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सौर मंडल के बाहर किसी भी ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी के साक्ष्य भी मिले हैं। तो अब हम थोड़ा सा मैप का एनालिसिस करेंगे। पहले हम
इसरो को देख लेते हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, इसरो। और ये इसरो की वेबसाइट से देख रहे हैं। तो हम पहले देख लेते कि भारत में जो अपने पहला आर्यभट्ट था, जो मिशन था कहीं ना कहीं वो 1975 में लॉन्च किया था, किसकी मदद से, तो रूस की मदद से, इंटर कॉस्मोस की मदद से, एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट था हमारा। फिर उसके बाद आता है रोहिणी, कहीं ना कहीं 1979 में SLV के थ्रू, लेकिन ये हमारा अनसक्सेसफुल रहा था। उसके बाद चंद्रयान प्रथम 2008 में लॉन्च किया, PSLV C11 की मदद से, एक तरह से प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन ये मिशन था हमारा। फिर आता है मार्स, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान स्पेस क्राफ्ट 2013 में लॉन्च किया, PSLV C25 की मदद से, मार्शियन पे यानी मार्स से संबंधित है और प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन के लिए। फिर चंद्रयान 2 2019 में था, लेकिन इसे लॉन्च नहीं किया गया अभी, और इसे अब भविष्य में लॉन्च करने की तैयारी है। तो हम देख लेंगे जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे, कहने की कहाँ से जा रही है, तो सेंट पीटर्सबर्ग के मास्को, और मास्को से होते हुए कहने के जो व्लादिवोस्टक यानी जो पूरे रूस को कवर कर रही है, इसकी लंबाई लगभग 5,771 मील से है, लगभग 7 दिन का समय लगता है इसको कवर करने। और ये कजाकिस्तान, मंगोलिया यानी उलान बटोर से होते हुए कहने के बीजिंग जा रही है। ये लेक बेकाल झील आ गई है, ये कामचटका पेनिनसुला आ गया, ये रशिया आ गया है। तो अभी इसके बारे में थोड़ा फिजिकल मैप भी देखेंगे इसका। ये रशिया वाला मैप हो गया, और रशिया की बाउंड्री किधर से लगे, इधर फिनलैंड से लगी है, नॉर्वे और स्वीडन से इसकी सीमा नहीं लगती है, इधर एस्टोनिया आ गया, लेटविया आ गया, और कहने के इधर बेलारूस, यूक्रेन, नीचे कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, इसकी सीमा लगती है। और ये वोल्गा नदी हो गई, तो वोल्गा नदी कहाँ से निकल रही है, कहने के इसी के किनारे मास्को बसा हुआ है, और ये कैस्पियन सागर में जाकर मिल रही है, और कैस्पियन सागर से रशिया की सीमा लग रही है। और ये काकेशस माउंटेन्स आ गया है, ये सेंट पीटर्सबर्ग, ये यूराल माउंटेन्स, और कहने के ये ओब नदी जो रशिया से होते हुए कहीं ना कहीं इधर कारा सागर, बेरेंट सागर और व्हाइट सी, इधर आर्कटिक ओशन, ये ईस्ट साइबेरियन सी, लेप्टो सी, और ये बीच में इसका कौन सा साइबेरियन वाला हिस्सा हो गया, ये पश्चिम वाला, ये पूर्व वाला, और ये बीच में सेंटर साइबेरियन प्लेटू हो गया। ये लीना नदी कहीं ना कहीं रूस के बीच में से होकर बह रही है, और यही लेक बेकाल झील आ गया, जो सबसे दुनिया की सबसे गहरी झील है, जहाँ से कौन सी नदी निकल रही, लीना नदी निकल रही है। ये कामचटका पेनिनसुला, एसियो ओकस्टक, ये अमू नदी जो दोनों चीन और रूस के बीच से होकर बह रही है, और ये रशिया का कजाकिस्तान चाइना हो गया। उसके बाद हम इसके बीच में से आर्कटिक सर्कल होकर गुजर रही है, ये यांगसी नदी इसके बीच से होकर निकल रही है। ये यूरोपियन प्लान हो गया, यूराल माउंटेन्स हो गई, उसके बाद इसकी सीमा कहीं ना कहीं ब्लैक सी से भी लग रही है, इधर जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, मिडल ईस्ट वाला हिस्सा आ गया, और ये जो अरल सागर है कहीं ना कहीं कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आ गया, उज्बेकिस्तान के बीच में। अब हम यूक्रेन के मैप को देख लेते हैं, ये यूक्रेन का मैप हो गया, तो इसकी सीमा किससे लग रही, तो कहीं ना कहीं रशिया, बेलारूस, पोलैंड, कहीं ना कहीं इधर से स्लोवाकिया, इधर रोमानिया, हंगरी और माल्डोवा। अब इसमें देख ले तो कौन सी नदियां होकर निकल रही, इधर से डाइनेपर नदी होकर निकल रही, और कीव किसके किनारे बसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसी नदी के किनारे बसा हुआ, चेर्नोहिव, ये ऊपर क्षेत्र में आ गया, चेर्नोबिल, जहाँ 1986 में परमाणु हादसा हुआ था कहीं ना कहीं, और ये जयपोरिजिया परमाणु संयंत्र, ये डोनेट्स्क, लुहांस्क, और ये डोनेट्स नदी, ये कहाँ होकर जाके कहाँ से निकल रही, तो कहने के ये यूक्रेन से भी निकल रही। ये डाइनापर नदी कहाँ जाके गिर रही, तो ब्लैक सी में जाकर गिर रही। ये ओडेसा पोर्ट किस देश से संबंधित है, ये यूक्रेन से दक्षिण में आ गया इसके। ये डाइनेस्टर नदी
तो कहीं ना कहीं यूक्रेन से फिर मालडोवा से होते हुए कहीं ना कहीं ब्लैक सी में जाकर गिर रही है, इस सी ऑफ जो कहीं ना कहीं इसकी सीमा लग रही है, किससे, यूक्रेन और रशिया के साथ ये कच्छ आ गई है, ये क्रीमिया पेनिनसुला हो गया, ये याल्टा और ये मारियोपोल, ये साउथर्न बक, तो इस तरह से हमको इसको देखना है ताकि इससे संबंधित ट्रिलियंस में हमारे प्रश्न बनते हैं तो हम उसका जवाब दे सकें। एक बार हम पेंगोंग झील देख लेते हैं, लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, ये हेमिस नेशनल पार्क हो गया, और ये भी यहाँ पर पेंगोंग झील के जो चाइना वाला तिब्बत वाला हिस्सा हो गया, और ये पेंगोंग झील, ये शोक नदी होकर बह रही है, लद्दाख ले, ये कारगिल वाला क्षेत्र हो गया, ये 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जब भारत में ये विजय हुई थी, ये गुलमर्ग, ये जम्मू वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र पहाड़ी वाला दिख रहा है कहीं ना कहीं, जहाँ जोरावर टैंक को तैनात किया जाएगा, ये परिसीमा पर कहीं ना कहीं चीन हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, कहीं ना कहीं इससे हमारी जो सैन्य संबंधित विवाद है वो बढ़ते रहते हैं, ये अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है चीन, तो इसी को देखते कहीं कि जोरावर जो टैंक है उधर तैनात किया जाएगा इधर की साइड में। और ये हम अभी रशिया का मैप देख रहे थे और ये वाला यूक्रेन का मैप हो गया, और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो अभी नदियों को लेकर एक आयोग बना है तो उसमें कहीं ना कहीं तीस्ता नदी के जल से संबंधित भी है, तो लगभग 54 नदियां दोनों के बीच में साझा जो योजना है उनको लेकर भी एक तरह से, एक दरला नदी हो गई, तीस्ता नदी हो गई है, ब्रह्मपुत्र, ये पद्मा, इसका गंगा का नाम बांग्लादेश में एंटर करते ही ये पद्मा हो गया नाम यहाँ पर इसका, फिर जो आगे चलने के बाद जो ब्रह्मा पद्मा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद इसका नाम कहने के पद्मा मेघना नदी हो जाता है, तो ये पद्मा से नाम से चलते, लेकिन जब मेघना नदी की गहराई ज्यादा होने की वजह से जो पद्मा मेघना मिलती है तो इसका नाम मेघना नदी हो जाता है, फिर यहाँ सुंदरवन डेल्टा आ जाएगा, ये सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वैनी को मैंग्रोव वंश हो गए, पूरा तलछट, ये पूरा क्षेत्र आ गया इधर मैंग्रोव्स का, আমরা এখন একটা ওয়াস্টে तो हम यही कमर समाप्त करते हैं आज वीडियो, धन्यवाद।